अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल व करम से। तो प्यारे बहन भाइयों, जिन प्यारे बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद ज़िना अता फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और प्यारे बहन भाइयों, जो हमारे आज चैनल पर न्यू आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और साथ वाले घंटी को भी दबा लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का जो है ना आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ ये है कि मैंने सुना है चाचू अकरम जो है घर छोड़कर चले गए हैं, वो हॉस्टल ले रहे हैं, कोई प्लाट वगैरह ले रहे हैं, उधर रह रहे हैं। तो कोई हमें क्या पता कहाँ पे कौन सी सिटी पे चले गए हैं, पीछे सब परेशान है, अपनी फैमिली सारी को लेकर चले गए हैं। मेरे चाचू हैं तो हर किसी को जो है ना वो दुख होता है, लेकिन वो अब चले गए हैं। अब चार भाई बचे हैं, चार चाचू, पांच भाई थे, पांचों इकट्ठे थे, खुशियां थी, लेकिन वो चले गए हैं। तो आज वाली वीडियो में मैंने देखा है कि उन्होंने प्लाट ले लिया है और वो वही हॉस्टल है, कोई चीज़ है उन्होंने ले लिया और वहीं पे वो रह रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ पे हैं, गैर लोग होंगे क्या होंगे। अपना घर तो अपना ही होता है, अपने वालिदैन के साथ थे, अपने माँ बाप के साथ थे, अपने पांचों भाइयों के साथ थे, खुश व खुर्रम थे, लेकिन अब चले गए हैं, सब परेशान हैं। चाचू असगर जो हैं वो उनके घर को संभाल रहे हैं, ताले वगैरह लगा लिया उनको। तो अगर मेरी चाचू अकरम वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ घर वापस आ जाएं। तो मैंने सुना है, मुझे आइडिया हो रहा है कि वो अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका बिल्कुल ही जो जज्बा है ना, मुझे पता है उनका जज्बा, वो जब जज्बे में आ जाते हैं ना, किसी को नहीं देखते। तो जज्बा आ गया उनको बड़ा ही, तो वो अब चले गए, उनका जज्बा जो है बिल्कुल ठंडा होगा। मैं सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जाएँ उनके चैनल पर, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, बैड कमेंट्स ना किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि वापस आ जाएं, और मशवरा भी करें। मैंने कॉल की है, कॉल उसका चाचू का नंबर बंद है, व्हाट्सएप पे मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप का जो है ना बंद है, नेट ऑफ है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई है कि वो अब चले गए हैं। अब कौन, परेशानी तो होती है कि एक भाई चला गया, सारे कितने खुश व खुर्रम होते हैं। तो अपना घर अपना होता है, हमारा दिल दुखा के चले गए हैं। तो आप प्लीज़ वापस आ जाएं, उम्मीद करता हूँ आप वापस आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो मेरा यही मशवरा है, मेरा आइडिया हो रहा है मेरे दिमाग में कि वो जो है ना हॉस्टल ले लिया है उन्होंने और वहीं पे वो अपनी फैमिली को रख रहे हैं। मैंने कितनी कॉलें की लेकिन उन्होंने कॉलें नहीं उठाई ना, कॉल तो अटेंड ही नहीं की। और दूसरा क्या होता है, व्हाट्सअप जो है ना नेट ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया मुझे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तो खैर, मैं फिर भी चुप हो गया, खामोश हो गया। तो आपको जो है ना आगे बताता हूँ, पीछे जो है ना कोई बंदे आ रहे हैं। तो घर से दूर आया हुआ था और मुनाजिर देखे हमारे ट्वेल के, हमारा नियम साइयों का है, हम खेती बाड़ी इतनी नहीं करते, ज़मीनें जिनकी होती हैं वो करते हैं। ये देखिए, मैं घर से बहुत दूर आया हूँ, पैदल था, वो कितनी कितनी ज़मीनों में गया हुआ था जी। माशाल्लाह से ये जो है ना गंदम, वो अब आ गई है इनकी मौसम, तो ये खातिब खाएँगे इंशाल्लाह, न्यू दाने होंगे। देखें बिल्कुल क्या कहते हैं, येलो येलो हो गई है माशाल्लाह से जी। बिस्मिल्लाह से आज जो है ना रगड़ाई हो रही, काम जो है हमारा पुराना सामान पड़ा हुआ था तो हम उसको पॉलिश वगैरह करवा रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये मिस्त्री लगे हुए हैं और कील वगैरह लगा रहे हैं, ज़बरदस्त बना रहे हैं जी। आपके सामने ये कील लगा हुआ है देखें, और इसको पॉलिश करनी है, और ये पॉलिश की जो है ना बन रही है, तैयारी हो रही है, कपड़ा वगैरह लग रहा है और पॉलिश बन रही है जी माशाल्लाह से। अभी लगाएंगे और आपको दिखाएँगे। ये देखें जी, पॉलिश भाई जो है मार रहे हैं कपड़े से, बहुत ही चमकदारी है। हमारे साथ ही मिस्त्री हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रंगाई करते हैं, ज़बरदस्त, और फर्नीचर का बहुत ही प्यारा सामान बना देते हैं। जिस बहन भाई ने बनवाना हो तो मुझसे रब्ता करे माशाल्लाह से। आज हम जो है ना सरम बना रहे हैं, सरसों का तेल नहीं होता वो हम बना रहे हैं आपके सामने देखें। ये देखें, और दादी अम्मा कुटाई कर रही है वो छोटे के साथ जी। मिस्त्रियों को गर्मी हो गई थी तो बोतल ले आया हूँ, वो बोतल पी रहे हैं आपके सामने देखें जी। मुर्गी आ गई है और हम बना रहे हैं, मसाला इधर ऐड किया हुआ है आपके सामने, गर्म हो रहा है
और लहसुन और सूखा धनिया जो है वो कूट के रख दिया है। ये हल्दी और ये देखें ये गोश्त आज फिर पका रहे हैं मुर्गी, ज़बरदस्त इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसमें जो है ना मुर्गी ऐड कर दी है और मिक्स कर रहे हैं हम अच्छे तरीके से, मज़ेदार है। भाइयों आज की थी मेरी यही वीडियो, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाइयों को पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्यारे बहन भाइयों ने बातों में मुझे पता है आपको दिल का भी लगी होगी, कोई होते हैं ऐसे जिनको खुशी होती है कि वो चले गए हैं खुश हैं अब, कोई होते ना लड़ाई झगड़े वाले इंसान, खुशी होगी उनको चले गए हैं सुकून है अब, जलते हैं ना कोई, जलने वाले जलाना करें, अल्लाह ताला हर किसी को हसद से बचाए कीने से बचाए, आमीन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना, और जो हमारे चैनल पे न्यू होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहते हैं। देखें ना आप 1001K सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ आप खुद देख रहे हैं 50-60, और वीडियो पूरी भी नहीं देखते, वीडियो पूरी देखा करें 50-60, मुझे उम्मीद है आप देखते होंगे लेकिन आप मुझे तो पता नहीं है आप कितनी देखते हैं कितनी, तो देखा करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखना।